तो आज हमारा ये अगला वीडियो है ज़ीमान इफेक्ट। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों आज हम देख रहे हैं ज़ीमान इफेक्ट। तो जब किसी एटम से या किसी सोर्स ऑफ लाइट से, चूंकि लाइट का जो सोर्स होता है वो भी ड्यू टू एटम के कारण ही होता है, तो जब उससे एक लाइन लाइन प्रोड्यूस होती है, स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती है, जैसे जब हम प्रिज्म के थ्रू देखते हैं तो लाइट में सेवंथ कलर मिलता है, वो सेवंथ कलर जो है स्पेक्ट्रल लाइन कहलाता है। और स्पेक्ट्रल लाइन जो है एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए स्पेक्ट्रल लाइन को भी हम एनर्जी लेवल के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब किसी एटम को या सोर्स ऑफ लाइट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस एटम का जो एनर्जी लेवल है या स्पेक्ट्रल लाइन है वो डिफरेंट लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिफरेंट लाइन में स्प्लिट हो जाता है। इस इफेक्ट को ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों इसको ज़ीमान ने एक्सप्लेन किया था, जो कि डच के फिजिकिस्ट थे, इसलिए उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया गया है ज़ीमान इफेक्ट। दोस्तों ये होता इसलिए है कि जब एटम में को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाता है, और फिर जब वो डी एक्साइटेड होता है, मतलब जब वो एक्साइटेड पोजीशन से अपने प्रीवियस पोजीशन ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करता है और उसमें स्प्लिटिंग होती है। तो इसके कारण हमें जो है तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट और एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट और एक होता है मिक्स्ड ज़ीमान इफेक्ट, तीन प्रकार के हमें ज़ीमान इफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट को स्टडी करेंगे। दोस्तों अब हम देख रहे हैं नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट कहलाता है कि जब हम किसी एटम को या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। दोस्तों ज़ीमान इफेक्ट में जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन पास्चन बैक इफेक्ट भी एक होता है। पास्चन बैक इफेक्ट में भी मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, लेकिन पास्चन बैक इफेक्ट में बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है एज कंपेयर टू ज़ीमान इफेक्ट में। ज़ीमान इफेक्ट में जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है एटम का वो ज्यादा होता है, और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कम होता है, जिसके कारण जो इसमें कपलिंग बनती है वो कपलिंग डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती, और पास्चन बैक इफेक्ट में वो कपलिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो दोस्तों इसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें हमें डबलेट और ट्रिपलेट मिलता है। डबलेट मतलब जब कोई लाइन टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, और ट्रिपलेट मतलब जब कोई लाइन थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन डबलेट्स और ट्रिपलेट्स में डिवाइड होती है, थ्री कंपोनेंट और टू कंपोनेंट में डिवाइड होती है, जिसे हम नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम होने के कारण स्पीकिंग में प्रॉब्लम जा रही है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं। इसमें जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो जीरो होता है, क्योंकि इसमें विदाउट इलेक्ट्रॉन स्पिन वाले एटम में ज़ीमान इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। इसमें दोस्तों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है। अब एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट में जो है फोर्थ, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन को फोर्थ या फिफ्थ माइनर लाइन या छोटे छोटे लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट होता है ये एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट का स्पेशल केस होता है, क्योंकि जो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट है ये क्लासिकली एक्सप्लेन्ड होता है, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा, जिसको हम लारेंज के कह सकते हैं कि लारेंज के थ्योरी के द्वारा डेवलप होता है। लेकिन जो एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट है तो एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट क्लासिकली एक्सप्लेन ना होकर के क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन होता है। तो इस तरह से जो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट है वो एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट का एक स्पेशल केस होता है। इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया कि माना कोई एक एटम है, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल है, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखते हैं, और ये
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाता है। क्वांटम स्टेट को ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्मॉल एल और एनर्जी ई से एक्सप्लेन करते हैं। अब दोस्तों, जो उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी होगी, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल और एनर्जी ई के बीच में जो इंट्रैक्शन एनर्जी होगी, या ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम द्वारा जो मैग्नेटिक डाइपोल है, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के द्वारा जो मैग्नेटिक डाइपोल म्यू एल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, उसके कारण जो इंट्रैक्शन एनर्जी है वो डेल इक्वल टू माइनस म्यू एल डॉट बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ माइनस साइन का यूज किया जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा। दोस्तों, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी का फार्मूला होता है डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इसमें स्केलर प्रोजेक्ट के कारण, ये स्केलर प्रोडक्ट होने के कारण ये फार्मूला यूज किया गया है। यहाँ पे वेक्टर एल और बी के बीच में एंगल थीटा है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल का फार्मूला होता है वो होता है माइनस ई अपॉन टू एम वेक्टर एल। ये कैसे होता है, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल के टर्म्स में एक्सप्लेन किया जा चुका है। और कॉस थीटा इक्वल टू एल जेड अपॉन एल। एल जेड क्या है दोस्तों, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट है वो एल जेड कहलाता है। और एल जेड की वैल्यू होती है एम एल एच, एच क्रॉस, या एच क्रॉस जो है रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है, और एम एल जो है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ये एल जेड की वैल्यू होता है एम एल एच क्रॉस। तो यहां से ये वैल्यू यदि हम पुट कर देंगे यहां पर, तो इस तरह से जो इंट्रैक्शन एनर्जी है दोस्तों इतना आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो बोर मैग्नेटॉन है, जिसको ई एच क्रॉस अपॉन टू एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, बोर मैग्नेटॉन मतलब बोर ने इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को फाइंड किया था इसी फॉर्मूले के थ्रू। तो इसकी वैल्यू होती है म्यू बी इक्वल टू ई एच क्रॉस अपॉन टू एम। तो यहां से ई एच क्रॉस अपॉन टू एम को हम म्यू बी से रिप्रेजेंट कर दिया और इस तरह से हमें इंट्रैक्शन एनर्जी मिल गया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो इंट्रैक्शन एनर्जी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जो टोटल एनर्जी है इक्वल टू ई जीरो प्लस डेल ई। ई जीरो जो है ये इनिशियल एनर्जी होगी और डेल ई जो है डिफरेंस एनर्जी है, जिसकी वैल्यू यहां हमने अभी अभी ये कैलकुलेट किया। अब हम मानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये देखते हैं कि जो इनिशियल लेवल है उसको ई आई से, और फाइनल लेवल है मतलब इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को अगर ई आई और ई एफ से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसमें इनिशियल में आई और फाइनल में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि यहाँ पे जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, इसके कारण इसमें इनिशियल और फाइनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों, जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ई आई माइनस ई एफ इक्वल टू ये हो जाएगा। और यहाँ जो डेल एम एल है, तो ये एम एल आई माइनस एम एल एफ का जो माइनस होगा वो डेल एम एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब दोस्तों, इनिशियल इनर्जी और फाइनल इनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इनर्जी होगी वो एच न्यू हो गया, और ये एच न्यू जीरो हो गया, इसको एज इट इज हमने लिख दिया, एच को डिवाइड कर दिया हमने, और यहां से म्यू बी इक्वल टू हो गया आपका। क्योंकि इसमें होता है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि म्यू बी इक्वल टू होता है ई एच क्रॉस अपॉन टू एम, और एच क्रॉस इक्वल टू होता है एच अपॉन टू पाई। क्योंकि जब यहाँ एच से हम डिवाइड कर देंगे तो टू पाई आ जाएगा, और इसमें ऑलरेडी रहता है तो 2 पाई एम। तो यहां से भी न्यू इक्वल टू न्यू जीरो ई बी अपॉन 4 पाई एम डेल एम एल। यहाँ एच क्रॉस की जगह एच अपॉन 2 पाई कर दिया गया है, एच से डिवाइड कर दिया गया, तो एच से कैंसिल हो गया है। डायोड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको शॉर्टकट में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। हम आपको नोट्स के लिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए इसको हम शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे काफी एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है ये। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि जीमान इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसका कॉन्सेप्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, पर आपको नोट्स के लिए हम इसको शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रहे हैं जीमान इफेक्ट को। अब जीमान इफेक्ट में हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि माना कोई एटम डी आर स्टेट से पी स्टेट में मूव करता है,
जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट। तो इसके लिए कुछ सिलेक्शन रूल होता है। दी स्टेट के सभी स्टेट से पी स्टेट के सभी स्टेट में एटम का इमिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। इसलिए कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम सिलेक्शन रूल कहते हैं या ट्रांजिशन रूल कहते हैं। वो ट्रांजिशन रूल होता है डेल एम इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड डेल एम इक्वल टू जीरो। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो यहाँ पे न्यू की वैल्यू है वो तीन वैल्यू हो सकती है, क्योंकि हम जब डेल एम इक्वल टू प्लस वन पुट करेंगे, एक बार डेल एम की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे और एक बार डेल एम की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। प्लस वन पुट करेंगे तो वी वन इक्वल टू इतना हो जाएगा, ये डेल बी ईबी अपॉन फोर पाई एम से रिप्रेजेंट किया गया है। एम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वी टू इक्वल टू वी जीरो हो जाएगा, और जब एम डेल एम इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो वी थ्री इक्वल टू ये माइनस वाला स्टेप आ जाएगा। यहाँ डेल न्यू इक्वल टू ईबी अपॉन फोर पाई एम लिया गया है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है लाइट वेलोसिटी अपॉन यूज्ड वेवलेंथ। इसको जब हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डेल बी या डेल बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो माइनस सी और वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसी तरह से वन अपॉन लेमडा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस वन अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। यहां से हमने डी लेमडा कैलकुलेट कर लिया तो ये वैल्यू आ गई। अब ज़ीमान शिफ्ट, ज़ीमान शिफ्ट मतलब वेवलेंथ के बीच में डिफरेंस। जैसे हम कॉम्पटन शिफ्ट देखते हैं तो उसके लिए डी लेमडा या डेल लेमडा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये हो गया प्लस माइनस लेमडा स्क्वायर अपॉन सी। ये जो डी न्यू की वैल्यू है दोस्तों, तो यहां से हम डी न्यू की वैल्यू हम देख सकते हैं। यहां से देखिए डेल न्यू की वैल्यू आती है ईबी अपॉन फोर पाई एम। डेल न्यू या डी न्यू एक ही चीज है, तो यहां से हमने उसकी वैल्यू पुट कर दिया ईबी अपॉन फोर पाई एम। तो इस तरह से हमें तीन फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, वी वन इक्वल टू वी जीरो प्लस डेल न्यू, वी जीरो माइनस डेल न्यू, और एक हो गया वी जीरो ऑलरेडी। अब इसमें से जो दो वैल्यूज है, ये और ये वैल्यू, ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाते हैं, जिसको हम सिग्मा कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एक वैल्यू होती है जो है वी न्यू जीरो वैल्यू होती है पैरेलल कंपोनेंट कहलाता है, जिसको हम पाई कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ये इसका कुछ डायग्राम है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से जब लाइट मीट होगी तो जब उसके पैरेलल परपेंडिकुलर जाएगा तो इसके तीन कंपोनेंट हो रहे हैं, इसमें से एक पैरेलल होगा और दो जो है आपके परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पैरेलल कंपोनेंट को पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो प्लस में है वो एंटी क्लॉक वाइज और जो माइनस में है वो क्लॉक वाइज से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स व्यू के इफेक्ट पे इस तरह से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। हम ज़ीमान इफेक्ट का एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे, ट्रांजिशन देखेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया कि डी स्टेट से डी के लिए एल की वैल्यू टू होगी, पी स्टेट के लिए एल की वैल्यू वन होगी। इसमें हमने बताया ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं कंसीडर किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन की वैल्यू डेल एस की वैल्यू जीरो लेते हैं। मतलब ज़ीमान इफेक्ट का जो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट है वो विदाउट इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए एप्लीकेबल होता है। और यहाँ से इनिशियल स्टेट में जो फ्रीक्वेंसी होगी तो ये इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी अपॉन एच, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम देखते हैं दोस्तों कि एल इक्वल टू टू के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो होगा, ये आपका होगा, आप जानते होंगे 210 माइनस वन माइनस टू। एल इक्वल टू वन के लिए 10 माइनस वन होता है। अब इसके लिए जो पॉसिबल ट्रांजिशन है, तो सभी ट्रांजिशन नहीं होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्लस टू वाले लाइन से माइनस टू वाले लाइन में होगा। ये उन्हीं लाइन में पॉसिबल है जिसके लिए जो डिफरेंस इन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डेल एम की वैल्यू ये तो जीरो है या तो प्लस माइनस वन है। अब यहाँ पे ये आपका डायग्राम शो किया गया है, ये डी स्टेट एल इक्वल टू टू है ना। अब इसके इक्वल टू टू के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू। दोस्तों इसको हम माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू ऐसा नहीं लिख सकते, हम इसको प्लस टू प्लस वन जीरो के रूप में लिखते हैं, क्योंकि एम एल की वैल्यू जब ज्यादा होती है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, अगर एम एल की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी लेवल कम होगा। और इस तरह से ये पी स्टेट के लिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पी स्टेट के लिए है, इसके वन एल इक्वल टू वन लेंगे तो प्लस वन जीरो माइनस वन होगा। अब यहां से आप देख रहे हैं कि ये डेल एम इक्वल टू जीरो, ये वो ट्रांजिशन है
जिसके बीच में डिफरेंस जीरो है। तो यहां से देख रहे हैं ये प्लस वन है, ये प्लस वन है, ये जीरो है, ये जीरो है, और इसका माइनस वन है, जो कि डेल एम इक्वल टू जीरो के लिए है। चूंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी और हमारा सॉफ्टवेयर काम नहीं करता ज्यादा लंबी के लिए, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में बताएंगे। यहाँ पे डेल एम इक्वल टू वन है, यहां से आप देख सकते हैं कि जो भी है यहाँ प्लस वन है और यहाँ वन है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वन आएगा, जो कि डेल एम इक्वल टू वन से रिप्रेजेंट करता है। अगली बार हम देखेंगे दोस्तों, अगर इसमें देखें तो इसका फर्स्ट आ रहा है जीरो और ये आ रहा है वन, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो जीरो माइनस वन, तो इसलिए यहाँ पे जो डेल एम की वैल्यू है ये माइनस वन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये डेल एम इक्वल टू जीरो के लिए अब पाई हो गया, जो कि पैरेलल माना जाएगा, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, वन के लिए सिग्मा यूज करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा एनर्जी लेवल डायग्राम की स्प्लिटिंग, एल इक्वल टू वन से लेकर के एल इक्वल टू टू स्टेट तक देखा, इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का यूज किया जाता है। इसमें डेल एम इक्वल टू वन के लिए ये दोनों इसकी फ्रीक्वेंसी बी जीरो प्लस डेल न्यू है, और ये बी जीरो माइनस डेल न्यू हो जाएगा माइनस वन के लिए। इसकी इसमें जो डिफरेंस है जैसा कि हमने अभी बताया माइनस वन के लिए है, और इसका डिफरेंस प्लस वन के लिए है। तो दोस्तों ये हो गया आपका ज़ीमान इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में या फोन करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट एनामलस ज़ीमान इफेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।